ग्रेटर नोएडा का जो गठन हुआ है इसलिए हुआ है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए अच्छी फैसिलिटी डेवलप हो, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी हो और उससे जुड़ी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल हो, रहने के लिए अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, चौड़ी सड़कें हो और ट्रांसपोर्ट के ऐसे सिस्टम हो जिससे कि लोगों को सहूलियत हो यहाँ पे आराम से और किसी तरह का जो एक प्लान डेवलपमेंट का एक जो प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए वो उसके अंतर्गत प्लान डेवलपमेंट करके और नेचर और इंडस्ट्री का ऐसा सामंजस्य रहे कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक अलग फीलिंग हो, अलग फील हो और ओपननेस की और क्लीनलीनेस की और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की, ये इसका उद्देश्य है ग्रेटर नोएडा का। उसके अंतर्गत ही हम लोग काम कर रहे हैं उसी उद्देश्य के अंतर्गत और लोगों को सही नॉलेज पा रहे जो है has become an educational hub. Yes. And the institutional, they are facing a lot of problems about the power particularly and security. So what steps you are going to take? Power ke baare mein hum aaj bhi ek meeting NPCL ke CEO sahab ke saath subah meeting thi, usko sudharne ke liye unse discussion hue hai, aur nishchit taur pe wo steps uthayenge ki jahan additional power unko purchase karna hai open market se bhi lena hai uske liye wo prayas kar rahe hain और हम उम्मीद करते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी दिक्कतें हैं, कुछ नए सब स्टेशन बनने हैं उसके ऊपर भी हमारी आज उनसे मीटिंग में डिस्कशन हुआ है और जल्दी ये समस्या का समाधान उम्मीद है कि होना चाहिए। कोई यहाँ पे सर जैसे प्लॉट्स के या फ्लैट्स के और बहुत ज़्यादा डिमांड है तो व्हाट आर योर प्लानिंग? असल में दिक्कत यही है कि इंडस्ट्री के साथ साथ हमें उसका एक सामंजस्य बढ़ाना है और अभी विश्व में जो आर्थिक मंदी की वजह से इंडस्ट्रीज़ का इनफ्लो, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए आवेदन होने चाहिए वो उतने इनकरेजिंग नहीं है जो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है और हम जो रेजिडेंशियल बेसिकली डेवलप करते हैं उसके दृष्टि से ये रखते हैं कि जितने इंडस्ट्री की डिमांड है, इंडस्ट्री में कितने लोग आएंगे, कितने ऑफिसर्स आएंगे, कितने एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री में आएंगे, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं कि हमारे कितने रेजिडेंशियल सेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अभी हमारी अभी एक तो प्लॉट की स्कीम अभी बंद हुई है 31 अगस्त को और जल्द ही हम फ्लैट्स की भी एक स्कीम लाने वाले हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि रेजिडेंशियल उसके मामले में जितने भी इंडस्ट्री है उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, अवेलेबल हो। मालूम पड़ा कि यू हैव के अलॉटेड प्लॉट टू अबाउट 1500 इंडस्ट्रीज एंड सो फार इट इज डन कि ओनली 400 इंडस्ट्रीज आर देयर। करेक्ट करेक्ट, वो बेसिकली वो रेमिफिकेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जो एक स्लो मतलब कहते हैं डिप्रेशन आया है, स्लो डाउन आया है इंडस्ट्री में, उसका ही रेमिफिकेशन है कि एक जो इंथुजियाज़म एक बूम इंडस्ट्रियल सेक्टर में होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो मे बी कुछ समय के बाद वो सभी जगह पर जो प्लॉट अलॉटेड है उस पर इंडस्ट्री आएगी।